विराट कोहली की आरसीबी टीम को लगा बड़ा झटका। टूर्नामेंट से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी। आरसीबी को अपना अगला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलना है। इससे पहले टीम के स्टार प्लेयर रजत पाटीदार चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। कोलकाता के खिलाफ अहम मैच से पहले आरसीबी को ये बड़ा झटका लगा, इस बात की जानकारी खुद आरसीबी के फ्रेंचाइजी ट्विटर पर दी। आरसीबी ने ट्वीट में लिखा, दुर्भाग्य से एरी के चोट के कारण रजत पाटीदार आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी ठीक होंगे। कोच और मैनेजमेंट अब तक रजत का रिप्लेसमेंट तय नहीं किया है। आरसीबी इस सीजन के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी थी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस टीम ने 172 रनों का टारगेट दिया था, जिसे आरसीबी ने 16.2 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया था। मैच में विराट कोहली ने 49 गेंद पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जबकि फाफ डुप्लेसिस 43 गेंद पर 73 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में साफ है कि टीम अभी फुल फॉर्म में है। विराट कोहली आरसीबी के पूर्व कप्तान रहे हैं। आरसीबी ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेला है, जिसमें मुंबई इंडियंस को 8 विकेटों से हराकर करारी शिकस्त दी है। अब इस आरसीबी टीम को दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 तारीख को खेलना है। यह मुकाबला 6 अप्रैल को कोलकाता में खेला जाए।